दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के बारे में क्या जानते हो आप? पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ हर एक चीज़ के लिए यार पूछना पड़ता है, जहाँ कमाने वाला सिर्फ एक होता है और खर्चा करने वाले पांच, जहाँ पर मंथ 8,000 की सैलरी होने के बाद भी लाइफ के अंदर टशन के साथ दूसरों को कैसे जलाया जाए कोई इन आम इंसानों से पूछो, जहाँ पर कुछ नई चीज़ देनी होती है तो रोज़ के डेली के खर्चे में से कुछ कुछ जोड़ करके वो नई चीज़ ली जाती है, और जहाँ पर कोई एक इंसान तो ऐसा होता है जिसे वो नई चीज़ पसंद नहीं आती और वो मुंह फुलाकर बैठा रहता है। तो कुछ ऐसी ही हमारी आम जिंदगी को दर्शाती है हमारी ऋषि कपूर सर की साल 2010 में आई मूवी 2 x 4, जिस मूवी से आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। हाई क्लास हो तो बात अलग है यार, नहीं तो यार इस मूवी को आप लोग इंजॉय तो ज़रूर कर पाओगे, लिख के ले लो भैया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सभी ने सर्च किया है मेरा एडिशन चैनल। फटाफट से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और करते हैं इस वीडियो को लेकर के डिस्कस। दोस्तों बात करें मूवी की स्टोरी की, तो दोस्तों मूवी की स्टोरी में टोटल मेन लीड पे 4 कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक पूरा परिवार है। वहीं दूसरी ओर मूवी में है एक आदमी जिसका नाम है मिस्टर दुग्गल, जो कि पेशे से तो टीचर है, और वहीं दूसरी ओर वो है 2 बच्चों के पापा, जहां पर रोज़ रोज़ का खर्चा, पढ़ाई का, रोज़ रोज़ के घर में होने वाली खिचखिच से स्टोरी शुरू होती है, जहां पर मिस्टर दुग्गल और उनका पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है क्योंकि उनके घर में आई होती है उनकी इनकम से थोड़ी एक्स्ट्रा में इनकम, जिसको लेकर वो सोच रहे होते हैं कि हम क्या बनाया लें, उनके घर में अब कुछ नया सामान आने वाला है। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और उनका बुआ का फ़ोन होता है, जो बोलते हैं कि मेरी देवर की शादी है, तुम लोगों को सबको आना है। और जहाँ पर सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, वहीं पर काफ़ी टाइम बाद उनकी बुआ उनके शहर ही आ जाती है उनको इन्वाइट करने के लिए, जहाँ पर उनकी बुआ करती है उनसे ज़िद कि मेरी देवर की शादी में आओगे तो भाई साहब आपको गाड़ी लेकर आना है। अब भाई वहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तो गाड़ी नहीं होती, लेकिन वो किसी तरीके से जुगाड़ करके उनकी देवर की शादी में गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं। पर वहीं पर जब वो वापस लौटते हैं तो वो गाड़ी का बम्पर होता है वो टूट जाता है एंड में जाकर, जिसके कारण ना वो लोग सोचते हैं कि अब अपनी खुद की एक नई गाड़ी लेनी है, और पूरा परिवार लग जाता है नई गाड़ी लेने के पीछे, जहाँ पर उनकी स्टोरी बहुत अलग तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर किस तरीके से एक आम आदमी की लाइफ को दिखाया गया है आपको वो देखने को मिलेगा, कैसे पूरा परिवार कोशिश करता है गाड़ी लेने के लिए, किस किस चीज़ों से गुजरता है, बहुत ही फनी और बहुत ही एंटरटेनिंग लगेगा वो चीज़ आपको। वहीं पर दोस्तों मूवी को ना एक आम आदमी के नज़रिए से दिखाने की कोशिश की गई है, और वहीं पर दूसरी और मूवी के अंदर आपकी लाइफ के अंदर टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए और क्या रिस्पेक्ट होती है ये भी दिखाया गया है, तो देख लो बहुत अच्छी चीज़। वहीं पर दूसरी और ये मूवी आपको अब अवेलेबल कहाँ पे होगी, या ये मूवी आपको अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जाके आराम से देख सकते हो, नहीं तो आप लोग जा सकते हो किसी भी ऑनलाइन साइट पर, आराम से मिल जाएगी। 2010 में आई मूवी है, देख लो यार, मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर दोस्तों अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात या करनी है कोई भी मुझसे शिकायत, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, जो कि आपको यूज़र नेम नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ पे मुझे DM करो और सजेस्ट करो अगर आप चाहते हो कोई मूवी का रिव्यू करूँ तो मैं, नहीं तो यार कमेंट सेक्शन तो है इस दबा, कमेंट्स करो दमादम। वहीं पर इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो मेरे चैनल को कर लो ना सब्सक्राइब, क्यों देरी कर रहे हो, और साथ ही साथ उस बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दें। वहीं पर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार बाय, मजे करो।